योगासनों का अभ्यास करने से शरीर में स्फूर्ति, स्थिरता, मजबूती, आरोग्यता एवं सुख की प्राप्ति होती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसनों का अभ्यास करने से स्थिर सुखम आसनम अर्थात स्थिरता व सुख की अनुभूति होती है। यूं तो अनेक प्रकार के आसन हैं शरीर को दुरुस्त और निरोगी बनाने के लिए, परंतु उनमें से एक सरल और प्रमुख आसन है वज्रासन। इसको करने से वज्र नाड़ी के प्रभावित होने से शरीर वज्र यानी पत्थर के समान बनता है, इसीलिए इसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन यह एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। इसके नियमित रूप से अभ्यास करने से मन की चंचलता दूर होती है, पेट के रोग जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी, पेट का फूलना, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज दूर होती है, पिंडलियों की मांसपेशियां सुदृढ़ और मजबूत होती हैं, जोड़ों का दर्द मिटता है, वेरिकोज वेन्स यानी सूजी, उभरी और दर्दीली नसों को भी ठीक करता है। इसके करने से व्यक्ति के कमर के नीचे की तंत्रिका तंत्र को भरपूर ताकत मिलती है। अतः इस आसन को बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष नियमित रूप से करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वज्रासन करने की विधि। सबसे पहले पैरों को मोड़कर नितंब के नीचे इस प्रकार रखते हैं कि एड़ियां बाहर की ओर निकली हुई तथा पंजे नितंब के साथ लगे हुए हों। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैरों के अंगूठे मिले हों। गर्दन, कमर और सिर सीधे रखना चाहिए। घुटने मिले हुए होने चाहिए तथा दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना चाहिए। इस आसन में बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं।